हाँ जी दोस्तों, स्वागत तुहाडा सब दा अज दीआं खबरां दे मुख एपीसोड दे विच। आओ गल करदे हां पंजाब दीआं मुख खबरां दी। इस वेले दी जो पहली वड्डी खबर आ रही है जी, पंजाब विच 5 लाख लोकां नूं मिलेगा रुजगार। कैप्टन सरकार ने कड्डी नवी योजना। सत्ता विच आउण तों पहलां पंजाब दी कैप्टन सरकार ने लोकां नाल घर घर रुजगार देण दा वादा कीता सी। इह वादा तां खैर वादा ही रह गया, पर हुण कैप्टन साहब ने लॉकडाउन दे विच बेरोजगार होए लोकां नूं दिलासा देने दे लई एक होर दावा कर दिता है। असल दे विच पंजाब सरकार ने लॉकडाउन ते करफ्यू कारण नौकरियां गवा चुके करीब 5 लाख लोगों नूं रुजगार दवाउण दी गल आखिर आख दित्ती है। सरकार उन्हां कंपनियां नाल गलबात करन तों इलावा होर सैक्टरां दे विच बेरोजगारां नूं काम दवाउण विच सहायता करेगी। इस विच मजदूरों तो लैके उद्योगों तक के लोगों ते निजी खेतर च काम करन वाले लोग शामिल होणगे। रुजगार अते सिरजना विभाग के सकत्तर राहुल तिवाड़ी ने कहा, इस दौरान बेरोजगार नौजवानों का डाटा तैयार किया जाएगा तो अधिकारियों के टीचे तय किए जाएंगे। उन्होंने 45 दिनों 6000 बेरोजगार नौजवानों की मदद करनी है। एक समय में 150 लोगों को सिखलाई दी जाएगी। पंजाब सरकार लोगों को रुजगार मुहैया करवाने के लिए सिखलाई देगी तो रुजगार साबित करने के लिए केंद्र सरकार की मुद्रा योजना तहत लोन मुहैया भी करवाएगी। सरकार बेरोजगारों को माइक्रो उद्योग शुरू करने में सहायता करेगी। इतना ही नहीं, सरकार उन्हें द्वारा तैयार किए माल को उद्योग विभाग की सहायता नाल बेचने में भी सहायता करेगी। अगली वड्डी खबर जी, कोरोना की पहली आयुर्वैदिक दवाई कोरोनिल तैयार। पतंजलि अज करेगी ऐलान। दुनिया भर में महामारी के रूप में तबाही मचाने वाले कोरोना के इलाज की अणगिणत कोशिशां जारी हैं, पर इस दे विच बाबा रामदेव का संस्थान पतंजलि अज भाव मंगलवार नूं कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वैदिक दवाई कोरोनिल नूं पूरी विज्ञानी वेरवियां नाल लॉन्च करन जा रहा है। कोरोना की आयुर्वैदिक दवाई कोरोनिल नूं अज भाव मंगलवार दोपहर 1 बजे हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ विच आचार्या बालकृष्ण लॉन्च करनगे। इस मौके बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। पतंजलि आयुर्वैदिक मेडिसिन्स वालों पतंजलि मंगलवार को कोरोना मरीजों के रेडमाइज्ड प्लेसबो नियंत्रित क्लीनिकल ट्रायल के नतीजे का खुलासा करेगा। पतंजलि योगपीठ वालों जारी सूचना में कहा गया कि सानू यह दसते हुए खुशी हो रही है कि स्वामी रामदेव और आचार्या बालकृष्ण कोरोना के इलाज में प्रमुख सफलता साझा करेंगे, तो जिमें कि उपर चर्चा की गई है उस इसका खुलासा भी करेंगे। ट्रायल में शामिल विज्ञानियों खोजकारों के डॉक्टर की टीम भी मौजूद रहेगी। अगली खबर जी, पाकिस्तान ने LOC ते कीती फायरिंग, एक भारतीय सैनिक होए शहीद। पाकिस्तान ने सोमवार जम्मू के पुंछ सैक्टर ते फिर रजौरी के नौशहरा सैक्टर च भारी फायरिंग की। पाकिस्तान की इस गोलीबारी में हौलदार दीपक कारकी शहीद हो गए। इस दौरान LOC ते इस गोलीबारी के बाद लोग घरों तो बाहर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की इस बर्फबारी तो बाद रजौरी के नौशहरा सैक्टर के कलाल पिंड दहशत फैल गई। इस पिंड पाकिस्तान वालों सुट्टे गए बहुत सारे मोरटार शैलर डिग पे, पर शुक्रिया कि कोई वड्डा नुकसान नहीं होया। अगली खबर जी, चीनी मीडिया की एक वड्डी धमकी, भारत के काम नहीं आउणगे अमरीका ते रूस। लद्दाख की गलवान घाटी के 15 जून में हुए संघर्ष तो बाद ही भारत ते चीन विचाले तनाव जोरां ते है। इस विचाले भारत सरकार ने सरहद के तैनात फील्ड कमांडर छोट दी है कि वह हिसाब नाल इंगेजमेंट की पॉलिसी बदलाव कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जेकर फौजी अधिकारियों को यह महसूस होता है कि स्थिति को कंट्रोल करने लिए गोली चलानी जरूरी है तो वह बिना देरी किए आदेश दे सकते हैं। बस इस गल नाल चीन को मिर्चां लग गई हैं। चीन सरकार के मुख पत्र ग्लोबल टाइम्स में शेखी मारते हुए एक यह तक आख्या कि शरेआम चेतावनी दिंदे लिखा हुआ कि 1962 की जंग के अमरीका तो रूस भारत के पक्ष में आए, पर चीन ने किसी की परवाह ना करते हुए भारत को दूर खदेड़ दिता। ग्लोबल टाइम्स ने अगे लिखा कि जेकर भारत एक पासड़ सीमा प्रबंधन तंत्र का उलंघन करता है तो चीन को भी जबरदस्ती जवाब देना होगा। किसी की सहायता भी भारत के काम नहीं आएगी, ये उन्होंने खुली धमकी दी। अगली खबर जी, SBI के गाहक हो जाए सावधान। जेकर तुसीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गाहक हो तो सुचेत रहो। बैंक ने अपने गाहकों को साइबर हमलों तो बचने लिए चेतावनी दी है। बैंक ने गाहकों को कहा कि धोखेबाज लोग कोरोना के नाम से जाली ईमेल भेज के लोगों तो उन्होंने निजी ते वित्तीय जानकारी चोरी कर रहे हैं। SBI ने अपने एक ट्वीट के लिखा कि सानू एक अजिही जानकारी मिली है जिस दे विच भारत के वड्डे शहरों के साइबर हमले हो रहे हैं। बैंक ने कहा कि किसी को भी अपना निजी बैंक की जानकारी बिल्कुल भी ना दिओ क्योंकि साडा कोई भी अधिकारी जानकारी नहीं मंगता। अगली खबर जी, हालात नहीं सुधरे तो होर वधेगी अजे महंगाई।
पिछले 15 दिनों में डीजल 8.88 रुपए के पेट्रोल 7.97 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोल ते डीजल की कीमतों के निरंतर वाधे कारण ट्रांसपोर्टर की लागत बढ़ रही है। इस कारण महंगाई वधन का खतरा बनया हुआ है। डीजल वधदियां कीमतां ट्रांसपोर्टर ते वधेरे दबाव पा रही हैं। कई ट्रांसपोर्ट संस्थावां ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख के डीजल की कीमतों में हुए वाधे से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहना है कि एक समय जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घट रही है, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वाधा हो रहा है। अगली खबर जी, गलवान घाटी में हिंसक झड़प में चीनी कमांडर भी गया सी मारिया। भारत चीन विचाले गलवान वादी में हुई हिंसक झड़प में चीन के कमांडिंग अधिकारी की जान चली गई सी। हालांकि चीन खुद इसते कोई बयान देने तो गुरेज कर रहा, पर हुण सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक चीनी फौज ने मनिया है कि उन्हों का कमांडिंग अधिकारी गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प दौरान मारिया गया सी। सूत्रों मुताबक यह सच दोवां देशों विचाले सैनिक पद्धरी गलबात दौरान सामने आई है। दस दईए कि सोमवार को लद्दाख सरहद की गलवान घाटी के भारत चीन फौज विचकार हिंसक झड़प हुई सी, जिस विच 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए सी। उधर इस बारे पूरी सच्चाई दे शक है कि किन्ने चीनी सैनिक मरे गए। अगली वड्डी खबर दोस्तों, अज निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तां नाल दित्ती मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा विच पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा नूं सोमवार नूं शर्तां नाल हरी झंडी दे दित्ती। यह रथ यात्रा मंगलवार नूं होनी है, मतलब कि अज शुरू होवेगी। मुख्य जज शरद अरविंद बोबड़े, जज ES बोपन्ना ते जज दिनेश महेश्वरी दी डिवीजन बैंच ने कहा कि केंद्र सरकार ते सूबा सरकार मिलकर रथ यात्रा कढ़णगे अते सुरक्षा दे उपाय करणगे। आदेश सुणाउंदे समय मुख जज का माइक विच विच बंद हो गया। बाद विच उन्होंने कहा कि डिवीजन बैंच के दोवें साथी जजां दे आदेश की कापी देख लैण तो बाद संबंधित वेरवा आदेश वैबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जज बोबड़े ने कहा कि सूबा सरकार जनतक सेहत ते सुरक्षा खतरे में देख के श्रद्धालुओं को रोकने की आजाद हैं। उन्होंने कहा कि असी सरकार ये नहीं कह रहे कि उसनू की करना चाहिए, पर असी कुछ शर्तों के नाल रथ यात्रा की मंजूरी दे रहे हाँ। उन्होंने कहा कि लोगों की श्रद्धा का मामला, जेकर भगवान जगन्नाथ को कल बाहर नहीं लिया गया तो परंपरा मुताबक उन्होंने अगले 12 साल तक बाहर नहीं कढ़िया जा सकता, इसलिए सदियों की परंपरा को रोकया नहीं जा सकता। अगली खबर जी, पठानकोट जिले में कोरोना के 7 नवे मरीज आए सामने। जिला पठानकोट कोरोना की लगती बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में कोरोना के 7 होर पॉजिटिव मरीज सामने आए। जिले कोरोना के मरीजों के सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिले जिस कारण लोगों के भारी दहशत पाई जा रही है। दूजे पास जिले में हुण कोरोना मरीजों का अंकड़ा बढ़ के 199 हो गया, जिन्हों 131 मरीज कोरोना तो ठीक होकर घर चाले पा चुके हैं, जबकि 53 मरीज अजे भी सरगर्म हैं। इस तो अलावा पठानकोट जिले के 5 मरीजों की जान भी जा चुकी है। अगली वड्डी खबर जी, दिल्ली में फिर वधे 3000 के करीब करोना मरीज, मौतों की गिणती 2233। देश की राजधानी दिल्ली में करोना का प्रकोप जारी है। दिल्ली में करोना मरीजों की गिणती तेजी बढ़ती जा रही है। यह हुण गिणती 62000 तो पार हो चुकी है। राजधानी में सोमवार को करोना नाल 3000 के करीब लोग पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में सोमवार को पिछले 24 घंटे में करोना पॉजिटिव 2909 लोग रिपोर्ट किए गए, जबकि पिछले 24 घंटे इस वायरस नाल 58 लोगों की जान चली गई। अगली खबर जी, जलंधर में देर रात करोना कारण 28 साल लड़की की गई जान। शहर में करोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस दौरान जिथे रोजाना वड्डी गिणती में करोना के मरीजों में वाधा हो रहा है, उत्थे ही करोना कारण मौतों का सिलसिला भी जारी है। जिले में अज देर रात करोना कारण एक 28 साल लड़की की जान चली जाने का समाचार प्राप्त होया है। जानकारी मुताबक गुरु नानकपुरा की रहने वाली 28 साल लड़की आशु की सोमवार देर रात करोना कारण जान चलेगी, जो कि पटेल हस्पताल में इलाज अधीन दाखिल सी। अगली खबर जी, खेतों में फायरिंग करके फेसबुक पर वीडियो पानी पई महंगी, घरों चुक के लै गई पुलिस। सोशल मीडिया से कुछ व्यूज़ लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं, इसका अंदाजा तो इस वीडियो देख के हो ही गया होगा। असला रखने के कानून में शिक्के टंगण का शौक पंजाबी नौजवानों में दिन प्रतिदिन वाधा जा रहा है, पर इस शौक की वीडियो पानी इस शख्स को महंगी पै गई। श्री मुक्तसर साहब के नेड़े पिंड रुपाणा के मनिंदर सिंह ने खेतों में फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल की, जिससे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अगली वड्डी खबर जी, अमृतसर में करोना मरीजों का अंकड़ा 800 तो पार, 35 नवे पॉजिटिव मामले आए सामने। अमृतसर जिले में करोना का मकड़ जाल लगातार पैर पसारता जा रहा है। सोमवार शाम को SHO रामबाग तो इलावा 2 होर पुलिस कामे सने 35 नवे करोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। जिले में हम करोना वालों
800 ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 808 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 523 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 254 ਮਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 31 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।